अस्सलाम वालेकुम जी। अभी ये रिसेंटली NTS GAT जनरल जनवरी 2018 का टेस्ट हुआ था और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्वांटिटेटिव के। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो है वो 20% इंक्रीज हो चुकी है एंड द विड्थ इज डिक्रीज बाय 20% और उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो चुकी है 20%, तो हमें बताएं कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे रेक्टेंगल जो है वो इस शेप का होता है, इसकी ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया फार्मूला जो है वो है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ओके। अब हमें कहा गया है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज कर चुकी है 20%। अब हम इन दोनों को सबसे पहले सपोज करें कि लेंथ जो है वो भी 1 है एंड विड्थ जो है वो भी 1 है, इसका मतलब है कि एरिया जो है ओरिजिनल जो है वो 1 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, न्यू निकालना है, न्यू एरिया। तो हम क्या करेंगे, को डिक्रीज होना है, अभी ओरिजिनल 1 है तो 20% अगर डिक्रीज करें तो 0.80 बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0.96 आ गया आंसर, ठीक है। रिपीट होते हैं क्वेश्चंस इस टाइप के, तो इसको मेमोराइज कर लें, इसको कॉन्सेप्ट बना लें, ओके। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन है जो गैट जनरल में आ चुका है। इसमें कहा गया है कि फादर ने 15 मिनट्स में काम कंप्लीट किया, ठीक है, एंड उसके सन ने बेटे ने उसके ट्वाइस काम कंप्लीट किया। इसका मतलब ये है कि फादर ने 15 मिनट्स में किया तो सन ने 30 मिनट्स में किया, इस ट्वाइस का मतलब ये है। तो अब यहाँ पे कहा गया है अगर ये दोनों मिलके काम करें, ठीक है, अगर ये दोनों मिलके काम करें फादर एंड सन, तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हमने ये बात जहन में रखनी है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया ना वर्क के हवाले से, टाइम के हवाले से, तो इस क्वेश्चन को हम कहते हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये जहन में रख लें कि इस क्वेश्चन का टाइटल जो है वो, हम इंटरनेट से भी और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन फिलहाल ये गैट में आ चुका है, जनवरी 2018 के गैट में आ चुका है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने जहन में ये रखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन फादर है और वो 15 मिनट है, मतलब फादर 15 मिनट्स, तो आपने हमेशा इसको इस तरीके से लिखना है, 1/15। ओके, ठीक इसी तरह आपने सन को, जो ट्वाइस है, ट्वाइस फादर के, इसका मतलब है कि 2/15 जो कि 30 हो जाता है। अब आपने इसको क्या है, अब आप देखें कि इन फादर एंड सन ने मिल के काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब हमें ये इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है, 1/15 प्लस 1/30, मतलब ये फादर हो गया, ये सन हो गया, इन दोनों ने मिलके काम को कंप्लीट करना है जो कि हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है कि इन दोनों ने मिलके काम कंप्लीट किया कितने दिनों में किया, तो हमने बेसिकली ये फाइंड करना है। तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूट वगैरह करें, एलसीएम वगैरह निकाल के इसका आंसर जो है हमारे पास आता है x=10, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ये था कि हमने मोड फाइंड करना था और हमारे पास ये नंबर्स गिवन थे। मोड्स का मतलब ये है कि ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स गिवन है ना, इसमें से हमने मोड निकालना है, मतलब एक जैसे कितने नंबर्स मौजूद होंगे। इस नंबर में आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, 5 सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह ये है कि हम होता है कि ये रैंडमली होते हैं, 57 73 की जगह होगा, 86 57 की जगह होगा, तो मिक्स होंगे। तो सबसे पहले आपने इनको सीक्वेंस में करना है, ठीक है, सीक्वेंस में करेंगे फिर आपने मीडियन तलाश करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बता सकता हूँ कि ऐसे, लेट्स सपोज ऐसे गिवन है, ठीक है, आपने इनको पहले, सबसे पहले सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले 57 आता है, 73, 86, 88, 94, सीक्वेंस में करके फिर आपने मीडियन निकालना है। मीडियन जो अब आ रहा है वो 86 है, ओके। और अक्सर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 57, 73, 86, 88, 94, 100, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे तो आप देखें दो मीडियन आ रहे हैं, तो आपने करना क्या है, इनमें से जो बड़ा है उसको आपने मीडियन कंसिडर करना है। अब इनमें से आप देखें कौन सा बिग नंबर है, वो है 88, तो इसमें आपने मीडियन जो है 88 को ले लेना है, ओके। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे हो सकता है, लेट्स सपोज 5 जो है वो 4 मरतबा गिवेन है इसमें, इस तरह 3 भी अक्सर होता है कि वो भी 4 मरतबा गिवेन है। इसमें भी हमने जो लार्जर नंबर है, लेट्स सपोज 3 भी 4 गिवेन्स हैं और 5 भी 4 गिवेन है, तो हमने 5 को मोड कंसिडर करना है, उसको आंसर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आप जहन में रख लें। अच्छा, एक फिफ्थ क्वेश्चन था, वो ये था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 इज 5। तो
अब हमने ये ध्यान में रखना है कि व्हाट का मतलब है एक्स, ठीक है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और इसका मतलब है इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू मतलब है। तो अब हमने क्या करना है, एक्स लिख देंगे 7% ऑफ के साथ मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 5, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज जो है वो 1/100 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय 25। क्योंकि अब लेट्स ये 1/40 कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि 2.5% जो है वो 2.5 डिवाइड बाय 100 के भी इक्वल है, ठीक है। या अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रिमूव करके हमारे पास 1000 आ जाएगा, कट करके 1/40। अगर हम इसको डायरेक्ट इसके साथ करें तो हमें काफ़ी डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि टेस्ट के दौरान काफ़ी टाइम कम होता है हमारे पास, तो हमने फिर फोर्स सॉल्व करना होता है इसको, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रख लें कि 2.5% जो है वो 1/40 की इक्वल है, सिंपली आप डिवाइड कर दें, आपके पास 12500 ये आंसर आ गया, ठीक है। वो एक क्वेश्चन था अलजिब्रा के हवाले से, वो ये था कि आपके पास एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2/3 था, तो हमने वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर फाइंड करने, क्या हम करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, वाई बाई एक्स इक्वल टू 3/2, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वाई बाई एक्स के साथ, ठीक है। वो कैसे, वाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई बाई एक्स, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें, 3/2 मल्टीप्लाई बाय वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर हो गया, और ये जो है हमें पता है वाई बाई एक्स इक्वल है 3/2 के, तो ये 9/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन था, इस पे टाइम लगता है 30 सेकेंड, आप फोकस करें इस क्वेश्चन पे कि या क्या क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या क्या रहा है, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड हमारे पास जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर वो है इक्वल 25 के। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है एक्स प्लस वाई क्यूब, ठीक है। हमें ये भी पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की इक्वल है,
क्योंकि अगर हम ये स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर हमने अगर हटाना है इससे तो हम सिंपली अंडर रूट लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव आ गया। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई, ठीक है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल 25। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एक्स प्लस वाई क्यूब, जो कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई 525, ये रहा इसका आंसर। सबसे पहले आपने 30 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को फोकस करना है कि ये क्या क्या रहा है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने फोकस करना होता है और लॉजिक इस्तेमाल करके आप उसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है गैट जनरल में, और अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन में आंसर था 1 माइनस ये ऑप्शन में था जो मैंने करेक्ट किया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कॉस थीटा हमने सिंपली वैसे लिख दिया, कॉट जो है वो इक्वल है, कोटेंजेंट जो है वो इक्वल है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के, ठीक है। अब हमने एक कैंसिल आउट कर देने, रह क्या गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है, जैसे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, ठीक है। तो हम कॉस को इधर ही रहने देते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अब हम यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा हमारा आंसर। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है, फार्मूलाज याद होने चाहिए। जैसे एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, कॉट इक्वल है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के, टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये एंड ये और ये ज़्यादातर रिपीट आते हैं, ठीक है, इनका यूजेज ज़्यादा होता है गैर जनरल के क्वेश्चंस में, इन तीन फार्मूलाज का, ठीक है। तो आप ये जहन पे रखें और ऑप्शंस को देखें और उसको सॉल्व करें, आंसर आपका खुद ब खुद निकल आएगा, बस आपने यूज़ सही तरीके से करना है इन फार्मूलाज का। अब हमें पता है कि अगर दो नंबर एक जैसे आए, ठीक है, तो उनको हम बाहर लिख देते हैं। जैसे आप देखें ये दो नंबर एक जैसे हैं तो इनको हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। और सेम सी डॉट सी, यहाँ भी दो जैसे हैं, एक जैसे ही हैं, तो सी को भी बाहर रख देंगे, बाकी अंदर जो रह गया वो 8 एंड सी रहेगा,
ठीक है, अब हम इस 8C को इसके साथ कट कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया आंसर 2C। ठीक है, इस तरीके से आपने ओपन करना है और साथ साथ ऑप्शन के साथ मैच भी करना है। ठीक है, कि आंसर ऑप्शंस में क्या क्या आंसर्स हैं, उनको किस तरह सॉल्व करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस में यहाँ तक भी गिवेन होता है, एक ऑप्शन होगा कि वो यहाँ तक गिवेन होगा, उसका आंसर ये होगा, और दूसरा ऑप्शन होगा उसका आंसर ये होगा। तो आपने वो सेलेक्ट करना है जब सबसे एंड पे आ रहा है। ठीक है, काफ़ मतलब ज़्यादा सॉल्व हो के उसका आंसर एंड पे आया है, तो आपने उसको ही को चूज़ करना है। अब रेशो के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये रेशो क्वेश्चन था कि 24:64 किसके इक्वल है, तो हम देख सकते हैं ये किन के टेबल में आता है। ये आप देखें 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, या हम चलें 8 के टेबल में लेते हैं। 8 3s are 24 एंड 8 8s are 64, जो कि ऑप्शन में मौजूद था, तो मैंने ये मार्क किया और ये करेक्ट रहा। इस तरह एवरेज के भी क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में ही आंसर्स होते हैं, बस हमने उनको अच्छे तरीके से अरेंज करना होता है और हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे भी आप देखें, हमने एवरेज मालूम करना है a+b+c+d4, और हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवेन है वैल्यूज़, हमने सिर्फ ये पुट करनी है। कैसे, इस ए प्लस बी को इसकी जगह हम इसको पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3c+d+c+d/4। अब इसको ओपन करें तो हमारे पास, मैं अब इसको ड्रैग कर रहा हूँ c+d। ठीक है, ये काट दें, आपके पास आंसर आ गया c+d। इक्वल टू एवरेज, ये बेसिकली फार्मूला है एवरेज का। ठीक है, तो अब हमें कहा गया है कि 5 नंबर्स हैं। ठीक है, और 5 नंबर्स का एवरेज जो है वो -10 है। ठीक है, अब 5 नंबर्स जो है हम सपोज करेंगे, वो कौन से हो सकते हैं, लेट सपोज a+b+c+d+e, लेट सपोज ये 5 नंबर्स हैं। ठीक है, और हमें पता है कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 / 5 ले लेंगे, वो इक्वल है -10 के। अब हमने आगे क्वेश्चन पढ़ना है कि फर्स्ट 3 नंबर जो हैं वो इक्वल हैं 16 के, तो ये फर्स्ट 3 नंबर जो हैं, ठीक है, या अल्फाबेट कह दें या नंबर्स कह दें, वो आपने ले लेने हैं 16 के इक्वल, 16 + d + e / 5 इक्वल टू -10। अब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 16 + d + e = -50। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d + e =
माइनस 66, ठीक है। अब आगे देखें, अब आगे उन्होंने कहा है जो बाकी जो दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स रह गए, इनका एवरेज बताएं, ठीक है। अब इनका एवरेज हमने बताना है, तो इनका एवरेज हमें पता है, सम ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो हमने क्या करना है, ये दो नंबर सिर्फ हमने इसको डिवाइड कर देना है टू के साथ, सेम टू सेम इसको भी टू के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया -33, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। हमने क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है और स्टेप बाय चलना है, तो हम उसको इजीली सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और अगर उन्होंने फर्स्ट फाइव नंबर्स दिए हुए हैं या कोई भी सिक्स नंबर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम एफ तक लिखेंगे और नीचे सिक्स लिख देंगे और इसको इक्वल कर देंगे -10 के, ठीक है। फिर वो आगे उन्होंने कोई रूल्स बनाए हुए हैं कि आगे जो पहले तीन नंबर हैं वो 16 के इक्वल हैं, बाकी जो दो नंबर हैं उनका हमें पता नहीं है, जो डी प्लस ई है अल्फाबेट जो है वो हमें पता नहीं है उनका, ठीक है। फिलहाल तो हम इनको शिफ्ट वगैरह करके हम मेन आंसर ले आएंगे, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, ये था। फिर उसने आगे कहा कि हमें वो जो नेक्स्ट दो नंबर हैं, ठीक है, टू नंबर्स हैं, उनका एवरेज निकालें। तो उनका सिंपली हमने क्या करना है, डिवाइड बाय टू से दोनों को डिवाइड कर देना, टू से डिवाइड कर देना दोनों बोथ साइड्स को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी मोड के हवाले से था कि हमने इसमें मोड फाइंड करना था, तो हमें हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो नंबर्स रिपीट हों सबसे ज़्यादा तो वो आंसर हमारा होगा, ठीक है। तो आप देखें इसमें पाई जो है वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो पाई है। 16 नंबर क्वेश्चन था कि इक्वेशन गिवन थी ना, और वो इक्वल है ज़ीरो के अगर हम, और आगे लिखा हुआ था कि एक्स जो है आइदर -4 हो सकता है या इन ऑप्शन में से कोई हो सकता है। अब अगर हम -4 इसमें ऐड करें, एक्स की जगह डालें, तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा दूसरा नंबर भी है कि अगर वो हम इस इक्वेशन में डालें तो ज़ीरो के इक्वल होगा, तो उसमें आंसर जो था वो था 2। अगर हम 2 इसमें डालें तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये -8, तो ये आ गया इक्वल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।